और जो कांग्रेस पार्टी की मांग थी, जो हमने राज्यपाल महोदय से भी निवेदन किया था कि जांच जो है हाईकोर्ट के जज से होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को त्यागपत्र देना चाहिए क्योंकि उनकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, इस विषय में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे जो पार्टी के महासचिव हैं और विधायक हैं ब्राक्टा जी, उन्होंने आपके सम्मुख अपने विचार रखे हैं। इस मुहिम को हम आगे चलाने वाले हैं। 15 तारीख तक हमारी जिला स्तर पर ये मुहिम चल रही है। इसके बाद हम इस मुहिम को ब्लॉक स्तर पर ले जाने वाले हैं। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और सरकार में जो मुहिम हमने शुरू की है, हड़बड़ाहट जो है वो नजर आ रही है। आज सरकार इतनी बेचैन है, भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन है, इस पार्टी को हिमाचल में जो प्रवक्ता हैं इनके, उन पे विश्वास नहीं रहा। हालांकि मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से अच्छे प्रवक्ता भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय में हमारे साथ रहे हैं, आज इनको दिल्ली से प्रवक्ता लाने की जरूरत पड़ी है। अभी पिछले कल धर्मशाला में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। वो प्रेस वार्ता करें, लोकतंत्र है, उन्हें अधिकार है, हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि नलिन कोहली जी दिल्ली से जो रेड जोन है वहां से धर्मशाला कैसे पहुंचे, वो वायु मार्ग से आए या भू मार्ग से आए, जल मार्ग से तो हो नहीं सकता क्योंकि समुन्द्र नहीं है, वो आए कैसे यहां, या शक्तिमान की तरह दिल्ली से सीधा जो है धर्मशाला में प्रकट हो गए। ये बहुत संदेह का विषय और गंभीर विषय। वो आए, उनके साथ कितने लोग आए, क्या उनके आने की प्रशासन को जानकारी थी, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता है और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो राज्य अतिथि थे, वो आए, क्या प्रोटोकॉल फॉलो हुआ, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत जो रेड जोन से आता है उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना पड़ता है, क्या उनका मेडिकल चेकअप हुआ, वो आए कितने लोगों से मिले, इस बात की हमको जो है सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार जवाब दे, क्योंकि पहले भी जो लापरवाही है वो हम लोगों के गले पड़ी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, आम लोगों के लिए मापदंड लगता है अलग अलग है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है मंडी से धर्मशाला से, वो अपने अपने घरों में पहुंचे और ये बहुत ज्यादा मामला उठा। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जब स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, लगातार हम पायदान चढ़ रहे हैं, विश्व के जो सबसे ज्यादा संक्रमित देश है हम चौथे पायदान पे पहुंच चुके हैं, और ये भी तब जबकि टेस्ट बहुत कम संख्या में हो रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जो वास्तविक स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, वो बिल्कुल अलग है। अगर ये टेस्ट की रफ्तार बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा केसेज हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मेरा ये आरोप है, राजनीति कर रही है। मैंने पहले भी कहा
कि जो देश के होम मिनिस्टर गृह मंत्री है, जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है संकट के समय में, वो पूरे कोरोना काल में कहीं नजर नहीं आए और अचानक अवतरित होते हैं बिहार के चुनाव की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए, फिर बंगाल में। क्या इस पार्टी का ध्येय और उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना है? हम पहले भी कहते आए हैं, ये चुनाव, ये राजनीति, इसके लिए बहुत समय, ये मौका संकट का है। विपक्ष आपके साथ खड़ा है, मिलके काम कीजिए, कुछ हमारी सुनिए, कुछ अपनी कीजिए, लेकिन लड़िए। आज हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, राहुल गांधी स्वयं जो है लोगों से जा रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या इनके नेताओं ने कभी दुख दर्द को जानने का प्रयास किया? रविशंकर प्रसाद जी ने परसों जो है वर्चुअल रैली को संबोधित किया और उनका सीधा निशाना राहुल गांधी पे था। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की भी अगर जुबान खुलती है तो या वो सोनिया गांधी जी को गाली देगा या राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलेगा। उसके अलावा भी तो बहुत कुछ है। कौन सी उपलब्धियां हैं आपकी? आप पूरे देश में, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से, जो हिमाचल के रहने वाले हैं, आपने कार्यक्रम दिया है पूरे देश में, आपने कार्यक्रम दिया है, कौन सी उपलब्धियां हैं आपकी? उपलब्धि ये कि जब लॉकडाउन था उस वक्त केसेस कम थे, जब से आपने अनलॉक किया आज केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज इस देश का किसान हो, इस देश का मजदूर हो, इस देश का मध्यम वर्ग हो, इस देश का कर्मचारी हो, इस देश का नौजवान हो, आज सब खून के आंसू बहा रहे हैं। कौन सी उपलब्धि है आपकी? हम ये कहते हैं कि आप राजनीति बंद करना बंद करें और इस महामारी के दौर में, जबकि मानवता का अस्तित्व खतरे में, आप पूरा प्रयास जो है इस महामारी को रोकने में लगाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ही मैंने मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 12,000 करोड़ इज अनस्पेंट मनी, जो खर्च नहीं हुआ। ये पैसा किस समय का, जब कांग्रेस की सरकार थी? ये कहते हैं कर्ज, अरे हम तो इतना खजाना आपको दे के गए हैं, 12,000 करोड़ जो है अनस्पेंट मनी है, इसको खर्च किया जाना चाहिए, ईमानदारी से खर्च किया जाना चाहिए। हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, हमारे जो निचले स्तर के, मैं तो ये भी कहूंगा हमारे जिला परिषद है, हमारी BDC है, हमारे पंचायत के प्रधान है, सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए और योजना बनाई जानी चाहिए, क्योंकि आज इस संकट के दौर में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो पैसा है, ये कांग्रेस के समय का पैसा है, जो ये नालायक सरकार लगभग 2 वर्षों में खर्च नहीं कर पाई। हम चाहते हैं कि इसका जो है सदुपयोग हो। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव से पूर्व नितिन गडकरी जी ने यहां 69 राजमार्गों की घोषणा की, लोग बहुत खुश हुए और लगा कि हिमाचल में तो बहुत कायाकल्प होने वाला है, और आज स्थिति क्या है, अब अपने बयान से मुकर गए। अब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में फाइल पड़ी है, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये इनकी राजनीति है, झूठ की राजनीति है। चुनाव के समय झूठी बातें करना, झूठा जो है प्रलोभन देना, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। मैं समझता हूं कि आज किस दौर में जरूरत इस बात की है, पक्ष हो विपक्ष हो, हमको मिलजुल के लड़ाई लड़नी है।
हम तो कोरोना से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये तो कांग्रेस से लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। इनके जो बयान है वो बिल्कुल हमारे नेताओं को इंगित करके होते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति जो है अच्छी है, तो अब उनका कौन से आईने से वो देखते हैं, मेरी समझ से बाहर है। स्थिति उस वक्त अच्छी थी जब हिमाचल में केसेस शून्य हो रहे थे, या इनकी लापरवाही के कारण आज जो है इतने ज्यादा केसेस हुए हैं। अब मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि वो कहते हैं कि हेल्थ एंड ये क्या है कि हिमाचल में संभावनाएं तलाश कर रहे हैं टूरिज्म के, तो फिल्म इंडस्ट्री से कह रहे हैं, उनकी बातचीत चल रही है। हमारा ये मानना है कि जिससे हिमाचल को फायदा होता हो आप जरूर करें, लेकिन दूसरों की सेहत के चक्रों में हिमाचल की सेहत ना खराब हो, यहाँ के लोगों की सेहत जो है ना खराब हो, उस बात का आप ख्याल रखें। उन्होंने कहा है हेल्थ एंड वेलनेस, तो आप अगर इस सिद्धांत पे अमल करते हैं तो हिमाचल के जो लोग हैं उनकी जो हेल्थ है वेलनेस है उसका जरूर ख्याल रखें। इससे ज्यादा मैं इस विषय पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे इसके साथ जोड़ना था। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि वो स्लिप कर गया। वो भी एक बहुत रेलेवेंट इशू है कि जब डीजीपी साहब ने पदभार संभाला, दिल्ली से एक व्यक्ति आया और बाद में यहाँ से जब वो व्यक्ति गया उनकी मृत्यु होगी, पता लगा वो पॉजिटिव है, और उसके बाद जो है पूरा का पूरा आपने देखा होगा कि क्या स्थिति रही, बड़े संशय की स्थिति रही, बड़ी टेंशन रही, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो कैसे यहाँ आया। और इसी कड़ी से मैं जोड़ता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है नलिन कोहली जी, कि वो किस परिस्थितियों में यहाँ आए, मैं इसके साथ भी इस बात को जोड़ता हूँ, तो जांच उसकी भी होनी चाहिए। देखिए हम ये कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, लॉ इज इक्वल टू एवरीबॉडी, कानून से ऊपर कोई नहीं है, जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी नतीजा सामने आता है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश ज्वाला जी मुखर हो गए, उनका कहना है कि संगठन के महामंत्री जो है थानेदार बन चुके हैं जनप्रतिनिधि पर, तो क्या लगता है सर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी स्थिति बनी हुई? देखिए मैं ये समझता हूँ, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है वो इनका अंदरूनी मामला है, हम उस पर जो है कोई फट्टे में टांग नहीं बसाना चाहते, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो घुटन महसूस कर रहे हैं, और जो ध्वाला साहब का बयान है वो इस तरफ जो है इंगित करता है। नहीं देखिए अभी 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 तो वी आर वेटिंग, अभी समय दिया है, नेक्स्ट जो एक्शन होगा वो हम देखेंगे, लेकिन अभी तो हमने इनसे मांग की है तो अभी हम निष्कर्ष पे इतनी जल्दी नहीं पहुंचेंगे। वी हैव गिवन देम टाइम, लेट्स सी क्या होता है, उसके बाद हम अपनी रणनीति जो है वो तय करेंगे।